दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस रिजल्ट और कट ऑफ के बारे में कि क्या रिजल्ट के साथ कट ऑफ जारी होगा या नहीं जारी होगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि नवोदय विद्यालय के जो भी नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आए थे, उसमें क्या हुआ था कि जो भी भर्ती आई थी उसमें रिटर्न एग्जाम के बाद सीधे सीधे जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जारी की गई, यानी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई कि हाँ ये अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं। तो क्या केवीएस में भी ऐसा होगा या रिजल्ट के साथ कट ऑफ जारी होगा? क्योंकि दोस्तों होता क्या है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं, किसी का एक नंबर किसी का दो नंबर से रुक जाता है, और जब कट ऑफ जारी नहीं होता है तो आप लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर हमारे मार्क्स आए कितने थे और अगले एग्जाम के लिए कैसी में प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो कट ऑफ का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हमें अपनी असलियत पता चल जाती है और एक अनुमान मिल जाता है कि आखिर इस भर्ती का कट ऑफ कितना जाता है। नवोदय विद्यालय में तो जारी नहीं किया गया था, लेकिन केवीएस में जारी होगा या नहीं जारी होगा, यही सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो मेरे पास ये केवीएस का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2022 से विज्ञापन है। आप सब लोग जानते होंगे केवीएस ने दो विज्ञापन जारी किए थे, एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2022 और 16/2022। तो अगर इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर सारी चीजें पहले से ही डिसाइड करके बता दी गई हैं, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जैसे कि नीचे की तरफ आप विज्ञापन में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर आई थिंक 18 है, जहां पर सारी चीजें बताई गई हैं। तो ये देखिए पेज नंबर 18 पे हम लोग आ चुके हैं, और इसका अगर आप पढ़ेंगे पॉइंट नंबर एच, तो यहां पर देखो सारी चीजें मेंशन है, जिसमें बताया गया कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन एंड आल्सो कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ वैकेंसीज द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। यानी आपके लिखित परीक्षा के आधार पर और वैकेंसी के आधार पर जितनी वैकेंसी होगी उसके हिसाब से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है उनकी लिस्ट इंटरव्यू के लिए जारी की जाएगी। आगे देखिए लिखा है इंटीमेशन टू द इफेक्ट विल बी अपलोडेड ऑन केवीएस वेबसाइट kvs.nic.in आफ्टर डिक्लेरेशन द कट ऑफ स्कोर। यानी इन्होंने साफ तौर पर बताया गया कि कट ऑफ स्कोर डिक्लेयर करने के बाद आपका जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट यहां पर जारी होगी। तो अब यहां पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि कट ऑफ जारी होगा या नहीं जारी होगा, क्योंकि केवीएस ने साफ तौर पर मेंशन किया हुआ है कि कट ऑफ स्कोर डिक्लेयर करने के बाद ही हम जो है कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जो है जारी करेंगे वेबसाइट पर। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, कट ऑफ जरूर जारी होगा। अब हो सकता है ये कट ऑफ कुछ पहले जारी किया कर दिया जाए या फिर उसी दिन जारी किया जाए, यानी दोनों रिजल्ट और कट ऑफ साथ साथ जारी हो। वैसे ज्यादातर यही होता है कि पहले जो है आपका जो कट ऑफ होता है और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट होती है जनरली एक साथ ही जारी किया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। रही बात इसके रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, इसका डिटेल्ड वीडियो जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।